नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जीत जायसवाल। आप सभी को अपने चैनल टारगेट इज पॉसिबल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे है और इंडिपेंडेंस डे पे मैं आप सभी को ढेर सारा बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप भी अच्छे से इंजॉय करें। तो कहीं पे भी अपने तिरंगे का अपमान ना होने दें, आप उसकी स्वयं रक्षा करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, दोस्तों आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आधार के संबंधित है और बैंकिंग के संबंधित है। अगर आपने भी अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट से अपना आधार कार्ड लिंक करा ले लो, ताकि 31 दिसंबर के बाद से, दोस्तों अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया या फिर आधार कार्ड की कॉपी को बैंक में नहीं जमा किया है तो जमा करा दें, अन्यथा आपका अकाउंट भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो इस बात पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे लोग कि आखिर हम लोग क्या करें। लोग कई ऐसे यूजर्स हैं, कई ऐसे भेली भाई हैं या फिर कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास कई सारे अकाउंट हैं। तो कहीं ना कहीं पहले क्या होता था कि एक आधार कार्ड एक ही अकाउंट से जुड़ेगा। तो इस खबर को जानने के बाद कहीं ना कहीं आपके दिमाग से ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि आखिर अगर किसी के पास दो या चार अकाउंट है तो वह एक ही आधार कार्ड कैसे ऐड कराएगा या फिर होगा या नहीं होगा, ये जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और भी क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी नए यूजर्स इस वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब का प्ले बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जो खबर मैं बताने वाला हूँ ये खबर जी मीडिया के माध्यम से मैं बताऊंगा और जी मीडिया इसे पुष्टि करता है। दोस्तों, सबसे पहले बात, यहाँ पे जो हेडिंग दिया गया है, अगर आपके भी पास बैंक अकाउंट है तो 31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो अकाउंट हो जाएगा बंद, ये टाइटल दिए गए हैं लोग। और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है, यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। लोग, बैंक खातों को 31 दिसंबर तक आधार से जोड़ना अनिवार्य है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका खाता बंद हो जाएगा, इसलिए 31 दिसंबर से पहले अपने खाते को आधार से लिंक कर लीजिए। बैंक खातों को आधार नंबर से नहीं जोड़ने पर खाता बंद हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक के माध्यम से सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़े। राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार सभी वर्तमान बैंक खाता धारकों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या को 31 दिसंबर 2017 तक जमा करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर उनके खाते क्रियाशील नहीं रहेंगे, यानी चालू खाता नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक वे बंद हो जाएगा। तो ये खबर है और इसमें और भी कुछ विशेष बातें दी गई है, तो इसको मैं नीचे अपने ब्लॉग में या फिर आप लोग यहाँ पे आकर विस्तार से इसे पढ़ सकते हैं। तो अभी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है और 31 दिसंबर भी अभी टाइम है, और आप लोग बहुत ही आसानी से अपने आधार कार्ड को, जिन्होंने नहीं बनवाया है, बनवा सकते हैं। और जिनके पास आधार कार्ड हैं या फिर किसी कारण से खो गए, वो अपने आधार कार्ड का इंतजाम कर लें और बैंक में जाके, जितने भी बैंक हैं सब बैंकों में अपना आधार नंबर दे दें और उनसे पूछ लें कि सर, मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें गैस की सब्सिडी या फिर किसी भी चीज़ की सब्सिडी आती है, अगर पहले मैं उस बैंक में दिया हूँ, जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड स्टेट बैंक में दिया है और आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में, तो आधार कार्ड को पंजाब नेशनल बैंक में दे रहे हैं, तो क्या जो मेरी सब्सिडी आ रही है, चाहे वह गैस की सब्सिडी हो जाए या फिर राशन कार्ड की सब्सिडी हो या फिर किसी भी प्रकार की सब्सिडी हो जो आधार से आ रही है मेरे स्टेट बैंक के अकाउंट में, तो क्या मैं आधार नंबर पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में देता हूँ? तो ऐसा नहीं है कि ना इसमें आवे ना इसमें आए, ये जानकारी पहले आप ले लीजिए, उसके बाद ही आप किसी और बैंक में आधार कार्ड को लिंक कराइए या फिर आधार कार्ड दीजिए। उनसे साफ साफ बता दीजिए कि इसके पहले मेरा इस बैंक में अकाउंट है, वहाँ पर भी मैं दिया हूँ और यहाँ पर भी अकाउंट में मैं यहाँ पर भी देना चाहता हूँ, तो क्या मेरे सब्सिडी में कोई प्रॉब्लम या फिर कोई रुकावट तो नहीं आएगी? ये जानकारी आप अपने ब्रांच मैनेजर से ले लीजिए, उसके बाद ही अपने आधार कार्ड को किसी अदर बैंक अकाउंट के साथ जोड़ें। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।